हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लॉन्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे ढैंग एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या? हमारे पैसों की प्लानिंग। हम इस पैसों को कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से इस पे टैक्स लगता है, ये जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, और बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एडू लॉन्चर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ, और जो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन के पहले कुछ आपको मैं फार्मूले बता देता हूँ बच्चों, किसी आप इसमें नोट कर लीजिएगा कुछ फार्मूले। सबसे पहला जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो होगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये सबसे पहला फार्मूला। सेकेंड थिंग कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालना। जब भी हमें परसेंटेज में दिया होगा, ये ध्यान रखना, परसेंटेज में जब भी दिया होगा तो आप उसको बोलोगे रेट, और रेट से फिर अगर आपको कन्वर्ट करना है उसको अमाउंट में, और अमाउंट हमेशा रुपीज में दिया होगा। तो अगर आपको लिखना है अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो ये हो जाता है रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। ध्यान रखना बच्चों कि जो भी आपको रेट में दिया जाएगा उसको आप कहोगे कि वो परसेंटेज वाला है, और अमाउंट में जो दिया रहेगा वो रहेगा रुपीस में। तो आपको जब भी रेट में है उसको कन्वर्ट करना है अमाउंट में, ठीक है। देन उसके बाद हमेशा ध्यान रखो कि जो भी सीजीएसटी होगा वो आप आधा हो जाएगा जीएसटी से, वो चाहे रेट हो या चाहे अमाउंट हो, जीएसटी का आधा होगा। और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं दोनों जीएसटी के हाफ होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अगर कभी भी ये आप नोट कर लो कि अगर कभी भी, सेकंड, अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ आप हिंदी में नोट कर लो, अगर कभी भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, दिया नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप हमेशा उसको x सपोज करना। जब भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया है हमेशा उसको x सपोज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आप अगर ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखते हो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बराबर होंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए। देखिए ये सीजीएसटी एसजीएसटी सब होता क्या है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जीएसटी होता है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी हम सामान लेते हैं, गुड्स मतलब सामान लेते हैं, और सर्विस एंजॉय करते हैं, जो भी हम सर्विस एंजॉय करते हैं, इसकी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, एंटरटेनमेंट टैक्स, रोड टैक्स, अलग अलग जगह पे नंबर ऑफ टैक्सेस है, उन सबको कंबाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी में। और जीएसटी ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जो भी कलेक्शन होता है जीएसटी का दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसको हम बोलते हैं सीजीएसटी, और एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट को जिसको बोलते हैं हम एसजीएसटी। और दोनों का जो क्राइटेरिया बांटने का जो भी होगा वो इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे 18% ले रहे हैं 9% जाएगा सीजीएसटी और 9% जाएगा एसजीएसटी, ठीक है। आई होप आप ये पूरा अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम इसी को यूज करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आप तब तक रीड कर लिए बच्चों कि क्या दिया है हमें। आरती गैस एजेंसी ये एलपीजी सिलेंडर को सप्लाई करते हैं, और इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू दी गई है 545 रुपीज। कितना जीएसटी चार्ज करते हैं, 5%। वॉट इज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, पहले तो जीएसटी निकाल देंगे, उसका आधा आधा कर देंगे, दोनों बच्चों में बांट देंगे। दोनों बच्चे कौन है जीएसटी के, सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलिए तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं अभी इसको। गिवन क्या क्या है पहले वो नोट कर लेते। गिवन दिया गया बच्चों हमें कि एलपीजी सिलेंडर की
टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 5445 रुपीस, और इसका रेट ऑफ जीएसटी दिया है। क्यों रेट ही दिया है? बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5%, परसेंट में रहा तो रेट रहेगा। व्हाट इज अमाउंट, खेल गए बच्चा, यहाँ पे अमाउंट पूछ लिया हमको रेट देके, कोई बात नहीं। तो यहाँ टू फाइंड आउट क्या करना है हमें, देखिए टू फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, यू हैव टू फाइंड बोथ दिस वैल्यू। ओके। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज टोटल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट मतलब वही टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, और अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब सारा घुमा फिरा के एक ही चीजें हमें पूछी गई है। यहाँ पे हम बोलेंगे टोटल अमाउंट, थोड़ा बहुत रिलेटेबल है एक ही इसमें, और उसके बाद अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो पहले तो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सिक्वेंस यहाँ पे इन्होंने अलग कर दिया, हम अपने तरीके से ही निकालेंगे। तो चलो, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या, अमाउंट ऑफ जीएसटी जब भी रेट से अमाउंट निकालना हो, रेट को मल्टीप्लाई कर दो टैक्सेबल वैल्यू में। ये मंत्र याद रखना, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों, 5445, सॉरी रेट ऑफ जीएसटी है हमारा 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 545, 100 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा पीछे से दो प्लेस पे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 2 22, और 2 कैरी, 5 5 25, 27, तो 27.25 आ गया अमाउंट ऑफ यहाँ पे जीएसटी। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना आएगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी है 27.25, इसका आधा कर देंगे, 2 का हाफ कितना होगा 1, 7 का हाफ नहीं हो सकता, तो 6 का हाफ 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 का हाफ 3, 1 बचेगा 12, तो 6, फिर 50, मतलब 5 का 50 कर लो 25, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल होता है, डू यू नो, हाँ यस यस, सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी दोनों कैसा होगा, इक्वल, देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 13.625 रुपीस। अब क्या निकालना हमें, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। चलिए वैल्यूज रखते हैं, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 545 रुपीस, 545 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 27.25, 25 यहाँ रहेगा, 5 प्लस 7 12 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 और यहाँ आ जाएगा 5, इतना है टोटल अमाउंट, इतना पेड करना पड़ेगा आरती गैस एजेंसी को अगर हमें एक सिलेंडर चाहिए तो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, और क्या दिया है हमें, चलो रीड करो, करियर सर्विस एजेंट चार्ज 590 रुपीज, एक कुरियर बहुत महंगाई हो चुका है, एक कुरियर का ही लिए हमसा कितना 590 रुपया, कहाँ से कहाँ लाना था इसको, नासिक से नागपुर तक, इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू बिल के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो थी 500 रुपया, और ये लिए कितना हमसे 590 रुपया, 90 रुपया कुछ ज्यादा लागत बाटे ना, तो ये 90 रुपया का है टैक्स, का है टैक्स, ऑन विच सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना है 45 रुपीस, और एसजीएसटी कितना है 45 रुपीस, फाइंड रेट ऑफ, देखो बच्चों जल्दबाजी में गलत मत कर देना, क्योंकि एक्साइटमेंट ये होती है, ये तो इजी है 90 रुपीस हमें मिल गया जीएसटी, लेकिन बोला है रेट, रेट मीन्स क्या, परसेंटेज निकालना है हमें, तो गिवन क्या क्या है वो देखते हैं, परसेंटेज में निकालना, अमाउंट को परसेंट में करना है, सिंपल है।
क्या दिया है हमें 590 टोटल, जब भी टोटल वर्ड आ जाए तो ये रहेगा कौन सा, टोटल अमाउंट। तो यहाँ है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जब भी आपको देखो बच्चों टोटल दिखा या विद जीएसटी दिखा तो आप समझ जाना कि वो टोटल अमाउंट है। ये है 590 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू ये है 500 रुपीज। देन अमाउंट ऑफ सीजीएसटी ये है 45 रुपीज और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ईबी है 45 रुपीज। अगर हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ जीएसटी, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों अमाउंट ऑफ जीएसटी, कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, देखो टोटल अमाउंट में से टैक्सेबल वैल्यू माइनस कर दो, सिंपल। टोटल अमाउंट में से टैक्सेबल वैल्यू माइनस करोगे तो वही एक्स्ट्रा पैसे है ना जो टैक्स के रूप में जा रहे हैं, टोटल अमाउंट माइनस टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। टोटल अमाउंट कितना है 590 माइनस 500, तो यहाँ 90 रुपीज आ जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, इतना जीएसटी चार्ज किया गया 90 रुपीज, 90 रुपया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, अच्छा भैया रेट ऑफ जीएसटी निकालना, अच्छा हमसे खेल रिया है, अमाउंट अमाउंट देके रेट पूछ लिया, अच्छा कोई बात नहीं, हमारा वीडियो लॉन्चर वाले सर बहुत चालाक है। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 90। चलो फार्मूला पहले बना लेते हैं बच्चे लोगों खातिर, पहले फार्मूला समझाई देते हैं। जब भी बच्चों आपको अमाउंट से रेट निकालना है, अमाउंट से रेट निकालना है, यहाँ आप अच्छे से समझ लो, अमाउंट से क्या निकालना है आपको, रेट। तब क्या करोगे, अमाउंट रखोगे ऊपर, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन, नीचे लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 टका, 100 रुपया। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 90, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 500 रुपया बस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 2 2 0 कैंसिल हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 18%, 18%, सिर्फ 18% यहाँ पे जीएसटी का लेत लगाया गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गिर गए, रुक गिर गया। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन दिया है बच्चों हमें, यहाँ क्या दिया है एक बार रीड कर लेते हैं। श्रीकर बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट। देखिए श्रीकर भैया बहुत अमीर इंसान, जिन्होंने गए दुकान पे और लैपटॉप लिए, लेकिन डिस्काउंट नहीं छोड़ेंगे हम, आज ना छोड़ेंगे डिस्काउंट, ढिंगे चिका ऑन अ प्रिंटेड प्राइस। चलिए द प्रिंटेड प्राइस ऑफ दैट लैपटॉप वाज 50,000, तो 50,000 रुपीज वो प्रिंटेड प्राइस था। अब यहाँ पे एक खेल आप समझो कि प्रिंटेड प्राइस में ही लगता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तब मिल जाएगा हमें टैक्सेबल वैल्यू। डिस्काउंट में से, इस प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तब मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, उस पर जीएसटी लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है चलिए, फास्ट हो रहा होगा कोई बात नहीं, हम इसको स्लोली समझते हैं गिवन क्या है। देखिए तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज में दिया, तो डिस्काउंट रेट कितना है, रेट कितना है 10%। उसके बाद में यहाँ क्या, लैपटॉप का प्रिंटेड प्राइस कितना है, प्रिंटेड प्राइस, लैपटॉप का प्रिंटेड प्राइस कितना है 50,000 रुपया। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी ये है 18%। हमें क्या बोला गया है कि क्या क्या निकालो, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो टू फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, यहाँ आ जाएगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे देखो व्हाट अमाउंट, कितना पैसा उनसे लिया गया, श्रीकर भैया से कितना पैसा लिया गया, मतलब हमें निकालना है यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर लैपटॉप,
ठीक है। चलिए वन बाय वन करते हैं हम। पहले हम रेट ऑफ जीएसटी से अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते हैं और उसके पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए कितना डिस्काउंट दिया पैसा में वो निकालेंगे। तो डिस्काउंट अमाउंट, देखो बच्चों डिस्काउंट अमाउंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल, डिस्काउंट परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्काउंट परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो प्रिंटेड प्राइस से, प्रिंटेड प्राइस से। तो कितना परसेंटेज है डिस्काउंट का, डिस्काउंट का 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100। प्रिंटेड प्राइस कितना है 50,000 रुपए। दो जीरो कैंसिल हो गया, इधर बचा 500 रुपया, 500 × 10 ये हो जाएगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपया डिस्काउंट मिला भैया को, हमरे खुशी की बात है। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू सिंपल प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना, हमेशा टैक्सेबल के लिए प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना। प्रिंटेड प्राइस कितनी है 50,000, तो ये हो जाएगा 50,000 माइनस 5,000, ये हो जाएगा 45,000। चलो आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों अच्छे से, आप प्लीज नोट करते रहिए सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी ये दिया है 18%। यहां से निकालेंगे हम सबसे पहले हम निकालेंगे उसको जो इन सबको निकाल सकता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। फार्मूले की एक लिस्ट बना लो बच्चों और उसको याद करते चलो। फार्मूले याद हो गए 99%, यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। रेट ऑफ जीएसटी 18%, 18 / 100। टैक्सेबल वैल्यू 45,000, 2,000 कैंसिल हो गया, 18 × 450 ये हो जाएगा कितना 18 × 0 = 90। कैरी 9 × 18 = 76, 76 + 9 = 85। ये आ गया यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी, चेक कर लेते एक बार। 18 × 0 = 18 × 5 = 90, फिर कैरी आ जाएगा 9 और उसके बाद में यहाँ पे 18 × 4 = 76 + 9 = 85, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। अब आगे क्या आएगा, 18 सेकेंड मल्टीप्लीकेशन हमारा बराबर है क्या, 18 × 0 = 0, 18 × 5 = 90, carry 9, 18 × 4 = 72, गलती हो जाता है इंसान से, 8100 रुपीस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिल गया हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो आगे निकालेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना 8100, इसका हाफ कितना होगा 100 का हाफ, ये कितना हो गया, एक सेकेंड, 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50 और 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 100 का हाफ 50, 4050। जितना अमाउंट ऑफ सीजीएसटी रहेगा उतना ही अमाउंट ऑफ एसजीएसटी रहेगा, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये भी हो गया 4050 रुपए, ठीक है। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा अच्छे से।